हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आ गया एक और व्लॉग लेके। आज हम चला रहे हैं ऊबर और इस वक्त हो रहे हैं 2:45। तो चलें काम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज हम मेरा प्लान है, अब ये समझे 3 3 बजे से रात को 12 बजे तक एटलीस्ट आज जो है हम 10 11 घंटे काम करने की कोशिश करते हैं, एटलीस्ट 10 घंटे। और कोशिश करते हैं कि हमारे $300 से $400 बन जाएँ, क्योंकि यहाँ पे सिडनी में ईस्टर शोज चल रहे हैं और उसके अलावा बहुत सारे और भी आज इवेंट्स हैं जगह जगह। कल होली थी और आज होपफुली बिजी होना चाहिए। तो चलें एक अच्छी होप के साथ काम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज हमारा स्कोर कहाँ तक जाता है। और आप लोग प्लीज़ ये बताना कि आप लोग किस टाइप का कंटेंट देखना चाह रहे हो, तो भाई उसी हिसाब से बनाएगा इंशाल्लाह। और 2 4 दिन में हम लोग जाएंगे, रमदान नाइट चल रही है लेकेम्बा में, यहाँ हर साल फेस्टिवल होता है, फूड स्ट्रीट है बहुत ज़बरदस्त, तो मैं आप लोग को वहाँ लेके जाऊँगा, वहाँ बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मज़े मज़े के खाने होते हैं भाई वहाँ पे। और बिल्कुल ऐसा माहौल होता है जैसे हमारे तारिक रोड पे या बंस रोड पे माहौल होता है ना खाने पीने का रमज़ानों में, तो सेम उसी टाइप का माहौल होता है यहाँ पे। और आपको काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें खाने को मिलती हैं, स्पेशली यहाँ का एक बर्गर मिलता है, कैमल बर्गर बहुत मशहूर है यहाँ पे लेकेम्बा में। तो चलें भाइयों काम स्टार्ट करते हैं। बल्कि यार एक जॉब भी आ गई है, ये डीडी पे आई है और ये जॉब हमें लेके जा रही है। अरे यार लॉन्ग ट्रिप है भाई, ये सिटी लेके जा रहा है। तो चलें अपनी पहली जॉब चल के पिक करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो भाई ये जो जॉब हम लेने जा रहे हैं ये है ट्रैवल की जॉब, डीडी ट्रैवल पे, डीडी पे आई है हमें जॉब। और ये जॉब हमें देगी तकरीबन 36 या 38 डॉलर्स, और ये हमें सिटी के पास लेके जा रही है। इस जॉब को करने में हमें लगेंगे 44 मिनट्स। इस पे हमें पैसे कम मिलेंगे, अगर ये ऊबर पे आई होती या नॉर्मल डीडी की अगर जॉब होती तो इसके हमें मिलते हैं 45 डॉलर एटलीस्ट। तो चलें, ये सामने बंदी खड़ी हुई है रेडी, इसको लेके जाते हैं सिटी। Hello, how are you today? I'm good, thank you. Good. So you're heading in more? Yes, thank you. Perfect. Now you can go that way. No, I already have a job, so. Oh, okay. Thank you. You're Thank you welcome. so much. Thank Have a you, good mate. one. Take care of You yourself. too. Get that Channel 9 thing happening. See ya. तो भाई हमने अपना पहला ट्रिप उतार दिया है और बैक टू बैक एक और जॉब भी आ गई है हमें। अब देखते हैं इसको कि भाई कहाँ जाना है। सॉरी इट्स अ नो स्टॉपिंग जोन, रियली हार्ड टू। या नो प्रॉब्लम, थैंक्स फॉर द कोऑपरेशन। आई डिडंट नो दैट इट्स नो स्टॉपिंग जोन। थैंक यू, हैव अ गुड वन। Hello, how are you today? How you going? I'm good, man. What about you? Going well, sick though. That was a quick pickup. Yeah, I was just right there. Good timing. Yeah. Thank you, my friend. I Have a good appreciate one. it. Thank you. Take care of yourself. Enjoy, sir. Thank you. Thank you. तो गाइस हमने अपना तीसरा ट्रिप पे उतार दिया है। ये बैक टू बैक हमें 3 जॉब्स आई थी, एक ने हमें 46 दिए हैं, एक ने 8 दिए हैं और एक ने भी 8 दिए हैं। एक और जॉब आ गई है डीडी के ऊपर, देखते हैं इसको हम ले सकते हैं या नहीं। यार ये देख रहे हो आप लोग गलियां, न्यू टाउन में ये बड़ा इशू है, छोटी छोटी सी गलियां हैं और एक अजाब हो जाता है कस्टमर को पिक करना। अगर आप अच्छे ड्राइवर नहीं हो तो इन इलाकों में तो आना भी नहीं, स्पेशली न्यू टाउन नहीं आना अगर आपको अच्छी ड्राइविंग नहीं आती। ये मैं वैसे ही इन जनरल बात कर रहा हूँ, क्योंकि बिल्कुल देख रहे हो डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल ऐसे माहौल होता है बहुत ख़तरनाक ड्राइविंग, लाइक आप सदर में चला रहे हो जैसे। बिल्डिंग्स भी वैसे ही हैं, पुरानी पुरानी देखो, ओल्ड कंस्ट्रक्शन है पूरी है। ये जॉब छोटी सी जॉब है, 8 9 10 डॉलर की होगी आई थिंक।
भाई ये कस्टमर यही है, आ जाओ फिर जल्दी से भाई। तो भाई ये जॉब हमने कैंसिल कर दी है, भाई के नखरे बहुत थे, कह रहे थे इधर आ जाओ और उधर आ जाओ, मेरे पीछे थी गाड़ियाँ, तो मैंने जॉब कैंसिल कर दी है। ये यहाँ पे होता है इस एरिया में, अगर आप काम करते हो तो ये चीज़ मैं आपको बता रहा था कि यहाँ बड़े इश्यूज होते हैं, तो अगर आप यहाँ काम कर रहे हो तो बहुत देखभाल के करना भाई। एक और जॉब आ गई है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड वन, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। तो भाई इस ट्रिप को हमने उतार दिया है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड या डिज्नी का कोई इवेंट चल रहा है, और इस ट्रिप ने हमें दिए हैं $14 और टाइम हो रहा है 5:04। 5 मिनट वेट करते हैं एटलीस्ट, शायद हमें कोई अच्छी जॉब आ जाए यहीं से। तो भाइयों मेरे एक मामू होते हैं लंदन के अंदर, उनकी डेथ हो गई है 3-4 दिन पहले, आज ही मुझे सुबह उसकी न्यूज़ मिली है। तो भाइयों प्लीज़ दुआ कीजिएगा उनके लिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि भाई उनका बस ये आखिरी सफ़र अच्छा गुजर जाए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए और बस उनके लिए आसानी अता फरमाए। तो 3-4 दिन से मेरी खाला मुझे फ़ोन कर रही थी लंदन से, तो मुझे लगा ऐसी कॉल कर रही होंगी, चलो फ्री होंगा तो कॉल कर लूँगा उनको, क्योंकि मैं बिज़ी था, कुछ कैनबरा के ट्रिप्स आ रहे थे, फिर इधर उधर उबर भी काफ़ी बिज़ी था, तो मैंने सोचा आराम से बात करता हूँ। जब आज सुबह बात हुई है तो मुझे ये ख़बर मिली और मुझे इतना अफसोस हुआ, बड़े ज़बरदस्त मामू थे वो हमारे, और मेरे जो रिश्तेदार और दोस्त देख रहे हैं उनसे भी मैं बोलूँगा भाई प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे मामू के लिए, रमज़ान का महीना है। और ये सीन है देखें, यहाँ पे हम लोग इतना दूर रहते हैं अपने मुल्क से, या जितने भी लोग बाहर रहते हैं बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ना ये सब चीज़ें। तो भाई ये है यहाँ की लाइफ, आप लोग ज़रा ना गुड डिसीजंस लेना, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना ऑल द टाइम, क्योंकि इमरजेंसी कभी भी हो जाती है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि यार इतना बदनसीब इंसान हूँ, मैं अपनी वालदा की तदफीन में भी नहीं जा सका था, तो प्लीज़ आप लोग भी अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे रखना, मेरी दफ़ा में जो मैंने गलतियाँ की हैं वो आप नहीं करना, और कुछ बैकअप में पैसे रखा करो कि कोई इमरजेंसी हो जाए तो एटलीस्ट आप लोग जा सको। चलें आगे देखते हैं यार, कोई ट्रिप देखते हैं, कोई अच्छा सा ट्रिप मिल जाए, क्या सैड माहौल हो गया। और अभी हम हैं मार्टिन प्लेस पे, ये बहुत मशहूर जगह है मार्टिन प्लेस। एक जॉब आई है छोटी सी, एक और डीडी की एप्लीकेशन पे, तो चलें इस ट्रिप को करते हैं जाके। Hello, how are you today? Thank you. Have a good one. Take care. Bye bye. भाई एक और जॉब हमने डन कर दी, ये भी डीडी की थी। तो जी लॉन्ग ट्रिप आ गया ऊबर पे, तो हम इसको लेने जा रहे हैं और डीडी की जॉब कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि डीडी की जॉब हमें सिर्फ $20 देगी। नोवोटेल सिडनी से जॉब आई है, अब देखते हैं ये कस्टमर कहाँ है। ये लॉन्ग ट्रिप है, होपफुली 40 से ऊपर ही देगा ये, $40 से ऊपर। कस्टमर भी आ गया। Hello Paul, how are you today? You got lollies here, man? Yeah. Really? For me? Yeah, yeah, please try some. Oh, thank you. Is that good? Thank you so much. Have a good one. Right. Thank you. Right. Thank you for the lollies too. Thanks. Thank you. Take care. तो भाई फाइनली इस ट्रिप को हमने उतार दिया और इसने हमें दिए हैं $41 और टाइम हो रहा है 6:25। Hello. How are you today, my friend? Thank you. Okay. Here we are.
my friend. Have a good one. You too. Thank you. तो भाई एक और ट्रिप आया है, ये ट्रैवल का ट्रिप है और ये हमें देगा मेरे ख्याल से $35 या $36। मैंने देखा है सरसरी तौर पे, मुझे याद नहीं है कितने देगा, तो चलें इसको पिक करते हैं। ये ट्रैवल का ट्रिप है, कहीं दूर ही जा रहा होगा, तो चलें दोस्तों इसको उतार के आपको अपडेट करते हैं। Hello, how are you today? Irvington? Yeah. Sure. Thank you. Have a good one. भाई ये जॉब भी हमने डन कर दी है और एक और जॉब आ गई हमें, थैंक यू माय फ्रेंड। हियर वी आर। कुड यू चेक इफ वी आर एट द सेम जॉब वेयर? सॉरी, कुड यू चेक इन दैट देयर इज अ शीशा अर्गीला शॉप हियर क्लोज टू हियर? नो आईडिया ब्रदर, sorry. I don't smoke actually. Oh, okay. Thank you. Assalamu alaikum. Have a nice day. You too. Take care. तो भाई ये लास्ट ट्रिप जो है मुझे सिटी लेकर आ गया था, तो अब वापस जा रहा हूँ मैं घर, देखते रास्ते में कुछ मिल जाएगा तो कर लेंगे। तो भाई हम आ गए फाइनली घर और क्या टाइम हो रहा है, 11:50 हो रहे हैं। तो हमने 2:30 घर से निकले थे, 3:45 हमने पहली जॉब ली थी, तो भाई तकरीबन 9.5 घंटे के अंदर देखते हैं हमारा स्कोर क्या हुआ है। तो हमने भाई डीडी की एप्लीकेशन पे 10 ट्रिप्स की हैं और उसके हमें मिले $176 और ऊबर पे हमने किए 9 ट्रिप्स और इसके हमें मिले $172, टोटल हो गए $348 9.25 घंटे के अंदर तकरीबन। तो दोस्तों काम आज काफ़ी अच्छा था और होपफुली कल भी बहुत तेज़ काम होगा। तो भाई ऊबर का काम ऐसा ही है, देखें आज बड़ा अच्छा दिन था, आज हमने तकरीबन 9.5-9 घंटे काम किया है तो उसके अंदर 348 हुए। कल इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम 11:12 बजे तक निकल जाएं ताकि हम 11:12 बजे तक काम कर सकें, हमें 11-12 घंटे मिल जाएं काम करने के लिए स्ट्रेट अवे। तो क्योंकि आजकल अब ठंड भी शुरू होने वाली है और इस हफ्ते जो है ईस्टर के फेस्टिवल भी हैं, तो इंशाल्लाह बिजी भी होगा काम और सुबह में काम ज़्यादा अच्छा है आजकल, तो कोशिश करेंगे कल जल्दी निकलें। तो भाइयों आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा आप लोग किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, और अगर आपको वीडियोज़ मेरी अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब भाई जाके करेगा आराम, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे बहुत जल्द किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।